हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आपको पता होगा कि आपने बिहार स्टेट का अगर फॉर्म फिल किया है तो 1 मार्च को इसका एग्ज़ाम है। ठीक है, आई होप कि आपने डिसेंट प्रिपरेशन किए हैं। बाय द वे, इधर से कुछ ज़्यादा खास प्रिपरेशन है नहीं, बट हम क्या करेंगे कि देखो, बिहार स्टेट का क्वेश्चन पेपर मैंने आज डाउनलोड किया, तो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो 2023 का जो पेपर हुआ था वो हम देखेंगे। यहाँ पर देखो डेट भी दिया गया है और ये PDF मेरे को मिला ये वेबसाइट से। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर आंसर की के साथ भी मतलब आंसर भी दिया गया है, तो इसलिए मैंने आसानी होगा देखने में, आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द थ्योरी ऑफ इमानुएल कांट रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ द अर्थ इज, थोड़ा बहुत मिस्टेक है, पता नहीं क्यों यार, नोन एज गैसियस हाइपोथेसिस। यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। और तो इमानुएल कांट का जो हाइपोथेसिस था ओरिजिन रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ द अर्थ, उसको हम गैसियस हाइपोथेसिस बोलते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच एलिमेंट्स ऑफ इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज मैक्सिमम डेंसिटी। डेफिनेटली निकेल एंड फेरियम जो होगा, इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होंगे। ओके, नाउ हु प्रोड्यूस्ड रूट हाइपोथेसिस रिगार्डिंग आइसोस्टेसी। रूट हाइपोथेसिस मतलब रूट था एक कुछ ऐसा क्या, रूट हाइपोथेसिस मतलब, तो ये एरी का जो है कॉन्सेप्ट होगा, तो एरी एंड प्राट नहीं दिया था, तो प्राट का तो है नहीं, नहीं प्राट है, देखो स्पेलिंग गलत कर दिया, प्राट PR हम लिखते हैं क्या, PRAAT ऐसा लिखते हैं क्या, नहीं PRAT लिखते हैं शायद, है ना, तो यहाँ पर PRAT पराठा कर दिया। चलो कोई बात नहीं, तो एरीज का करेक्ट आंसर कि रूट हाइपोथेसिस रिगार्डिंग आइसोस्टेसी एरी ने दिया है। अब देखते हैं द प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ परपेंडिकुलर टू द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ को एक इज कॉल्ड। तो ये तो आसान था कि प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो सरफेस में उसको हम एपी सेंटर बोलते हैं, और जहाँ ओरिजिनेट होता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में उसको फोकस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच थियोरी वाज प्रोपाउंडेड बाय कोबर रिगार्डिंग माउंटेन बिल्डिंग। तो डेफिनेटली जियोसिंक्लाइनल ओरोगेन थियोरी जो है वो कोबर ने दिया था। हु कॉइंड लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस स्टेजेस, सो डेविस, यस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज रीजन ऑफ मिक्सिंग, रीजन ऑफ मिक्सिंग ये कौन होगा, ट्रोपोस्फियर ही होगा ना, यस ट्रोपोस्फियर होगा रीजन ऑफ मिक्सिंग, क्योंकि यहाँ पर सारे वेदर फेनोमेना होते हैं। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिट्स कॉन्टेन ऊजेस, तो ऊजेस जो है ऑर्गेनिक डिपॉजिट है, बट यहाँ पर कहाँ मिलता है ऊजेस, तो देखो लिटल डिपॉजिट्स, शैलो वाटर डिपॉजिट्स, बैथियल डिपॉजिट, तो एबिशियल डिपॉजिट्स का करेक्ट आंसर होगा कि जो ऊजेस है वो हमको एबिशियल डिपॉजिट्स में मिलते हैं। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि कोपेन डिवाइडेड द वर्ल्ड क्लाइमेट इनटू हाउ मेनी प्रिंसिपल टाइप्स। इसका आंसर कितने टाइप्स में डिवाइड किया था कोपेन ने, तो कोपेन ने 5 टाइप में डिवाइड किया था। अच्छा वो जो मेन जो था ABCD करके और आई थिंक ई तक था, है ना, ई नहीं था, पोलर था, तो ई को पोलर ही बोला गया था, देखना पड़ेगा एक बार। तो हाँ पांच टाइप ने कोपेन ने 5 टाइप दिया था। अब देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज मैक्सिमम इन परसेंटेज इन द ओशन वाटर, तो सबसे ज़्यादा कौन सी सॉल्ट पाया जाता है ओशन वाटर में, तो सोडियम क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर। एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये रिन्यूएबल नहीं है इनमें से। ठीक है, क्योंकि एक बार न्यूक्लियर रिजर्व होती है तो खत्म हो गया तो गया। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए हमको इम्प्रूवमेंट कटिंग क्या होती है भाई, सिलेक्टिव कटिंग, हाँ ये तो समझ में आया, रिफॉरेस्टेशन ऑफ डिफॉरेस्टेड एरिया ये भी ठीक है, डी इम्प्रूवमेंट कटिंग देखो ये क्या है, तो 2 ऑप्शन करेक्ट है, तो हम आसानी से इसी को चूज़ करेंगे कि ऑल ऑफ दिस। ओके, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल इज द बेस्ट फॉर इंडस्ट्रियल यूज, तो डेफिनेटली हमारा जो एंथ्रासाइट होता है वो है ना, अरे नहीं बिटुमिनस, उस क्या होती है सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, बिटुमिनस देन लिग्नाइट पीट होती है ना, तो एंथ्रासाइट क्या यार, बिटुमिनस टाइप्स ऑफ कोल इज द बेस्ट फॉर इंडस्ट्रियल यूज, देख पर देखना पड़ेगा इसको क्यों होता है ये। ठीक है, बिटुमिनस। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिडिल ईस्ट कंट्रीज इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम,
सऊदी अरबिया, इराक, कुवैत, इनमें से कौन, कोई भी नहीं। सऊदी अरबिया जो होगा ये आपका मिडिल ईस्ट कंट्री है जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम है एज पर 2022 डेटा। टोटल 150 क्वेश्चंस है तो हम सारे को डिस्कस करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर? आयरन ओर के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर? ऑस्ट्रेलिया। आप आंसर गेस कर सकते हो। देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट एसोसिएटेड विथ प्रिमिटिव फार्मिंग? तो कौन प्रिमिटिव फार्मिंग के लिए एसोसिएटेड नहीं है, तो इनमें से कौन सा? तो प्लांटेशन फार्मिंग जो है एसोसिएटेड नहीं है, है ना? यस, करेक्ट करेक्ट बोला। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम आंसर को गेस करेंगे या फिर मतलब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में देखते हैं आंसर क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी? ये तो बॉन थुने ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 18। सो व्हिच कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड? तो कॉटन टेक्सटाइल में फर्स्ट कौन आता है वो भी तो देखना पड़ेगा। सेकंड कौन है? तो फिर सेकंड आता है आपका इंडिया। अच्छा, सेकंड इंडिया, सेकंड इंडिया कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन में सेकंड आता है इंडिया। इंडिया रैंक सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। सो इन व्हिच ईयर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड? इन व्हिच ईयर? ये होगा आपका आई थिंक 1975 में हुआ था वर्ल्ड ट्रेड, नो 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1995 में, ठीक है। WTO, बार बार रिवाइज देना पड़ेगा यार, ये अभी रिसेंटली पढ़ा था मैंने डेट प्लेस भी का फॉर्म जब, सॉरी क्वेश्चन पेपर जब फिल, अरे सॉल्व कर रखा रहा था तब तो। 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था। नाउ द स्वेज कैनल ज्वाइन स्विच टू वाटर बॉडीज? स्वेज कैनल ये तो आपका रेड सी और मेडिटेरेनियन को ज्वाइन करता है। द नेम ऑफ रैचल्स बुक इज एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। नाउ हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? तो ये डार्विन होगा, देखते हैं ऑप्शन में क्या है। हाँ, डार्विन, डार्विन। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज रिलेटेड टू बेफिन आइलैंड? तो बेफिन आइलैंड में आई थिंक बेफिन आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है एक्चुअल में? बेफिन आइलैंड सेमांग होगा क्या? एस्किमोज, अच्छा बेफिन आइलैंड में एस्किमोज होगा। बेफिन आइलैंड, बेफिन आइलैंड अच्छा नॉर्थ में लोकेटेड है फिर एस्किमोज। देखना पड़ेगा इसका लोकेशन एक बार, बेफिन आइलैंड। अरे नाउ एस्किमो मीन्स, तो ये तो है आपका ईटर ऑफ रॉ मीट, ठीक है। नाउ सांथल स्पीक मेनली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस? सो सांथल स्पीक मेनली मुंडा, सांथल स्पीक मेनली मुंडा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल कॉज ऑफ माइग्रेशन? नॉट अ फिजिकल कॉज, फिजिकल, ओके। सो अर्थक्वेक, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, आई थिंक अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स होगा। नाउ यस, नाउ पुश पुल फैक्टर्स आर एसोसिएटेड विथ माइग्रेशन? द फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट ऑप्टिमम पॉपुलेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाई प्रेजेंट ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ये होगा जेलिंस की आई थिंक, नो डाल्टन। अच्छा, तो द फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट ऑप्टिमम पॉपुलेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाई डाल्टन, ठीक है। द फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट ऑप्टिमम पॉपुलेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाई डाल्टन। नाउ हु हैज़ प्रोपाउंडेड द थियोरी ऑफ सेंट्रल प्लेसेस? ये तो पता होगा, क्रिस्टलर। नाउ द फोकल पॉइंट ऑफ जियोग्राफिकल स्टडीज, सोसाइटी, इंडस्ट्री, प्लेस ऑन अर्थ? प्लेस ऑन अर्थ सर्फेस होगा। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ फिजिकल साइंस? एथोलॉजी, एथनोलॉजी, एथोलॉजी, मेट्रोलॉजी। तो फिजिकल साइंस, मेट्रोलॉजी, यस। नाउ जियोग्राफी हैज रिलेशनशिप विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, बायोलॉजी, ऑल ऑफ दी अबव। तो देखो क्वेश्चंस काफ़ी आसान है, मतलब ये बेकार की ये एग्जाम ले रहा है जो भी है, बिहार स्टेट बोल के, मतलब सिर्फ हमारा पैसों की बर्बादी और ये सर्टिफिकेट, खैर है ना। क्वेश्चन लेवल आप देखोगे तो उतना भी टाफ नहीं है, ऐसे नेगेटिव मार्क भी नहीं है, तो वही बात है। और देखेंगे बाकी और भी क्वेश्चंस है डेफिनेटली आपके, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर क्वेश्चंस है तो बहुत सारे लोग फेल भी करते हैं, बट इतना टाप नहीं है। अगर आप पढ़ाई रेगुलरली किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप निश्चित होकर एग्ज़ाम देने जा सकते हो, और उतना टाफ है नहीं। आई होप आप
आप क्रैक कर दोगे, ठीक है, इतना कुछ है नहीं इसमें। बट ये जो एग्ज़ाम है ना कंडक्ट करने का, ये ऐसे क्वेश्चन बनाया फिर तो कोई मकसद ही नहीं रहा ना ऐसा, मतलब समझ रहे हो बात क्या मैं कहना चाहता हूँ। आई होप कि आपने समझ पाए होंगे कि फालतू में ये टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है। हु ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेटर द सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ? एराटोस्थेनिस। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ जियोग्राफी एपिडेमी हैड कंट्रीब्यूटेड? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ जियोग्राफी एपिडेमी हैड कंट्रीब्यूटेड? तो एपिडेमी हम डेफिनेटली ह्यूमन जियोग्राफी में ही स्टडी करेंगे ना, नो मैथमेटिकल जियोग्राफी में। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ जियोग्राफी एपिडेमी हैड कंट्रीब्यूटेड? मैथमेटिकल जियोग्राफी में एपिडेमी देखने पड़ेगा इसको एक बार, एपिडेमी का मतलब क्या ठीक से। नाउ हु ऑफ द फॉलोइंग ऑथर द बुक कॉस्मोस? तो ये तो आपका हम्बल्ट हो गया, ठीक है। अब देखो, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रोपाउंडर ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म? तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म आपका रैटजेल होगा। स्पेलिंग सारे गलत लिखे हैं भाई ने। नाउ देखो, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑथर द बुक जियोग्राफिकल पाइवोट, नॉट पिनोट, अरे कुछ भी लिख दिया यार, मैकाइंडर। नाउ हुईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी? तो ह्यूमन जियोग्राफी, बायोग्राफी, टोमोग्राफी, नन ऑफ दी अबव। टोमोग्राफी आई थिंक, टोमोग्राफी ह्यूमन जियोग्राफी के साथ कैसे रिलेटेड है भाई? टोमोग्राफी तो, अरे ये सिस्मिक वेव्स के साथ रिलेटेड था शायद, हाँ देखना पड़ेगा, शायद मैं गलत हूँ, ठीक है देखना पड़ेगा। तो हुईच ब्रांच इज रिलेटेड टू ह्यूमन जियोग्राफी? तो ये टोमोग्राफी होगा। अच्छा टोमोग्राफी, इसका देखो मीनिंग। नाउ ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी इज डेवलप्ड इन रिएक्शन टू ह्यूमैनिटिक जियोग्राफी? ये क्वान्टिटेटिव होगा फिर, रिवोल्यूशन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ जेंडर जियोग्राफी स्टार्टेड इन द डिकेड 1970? यस, जेंडर जियोग्राफी स्टार्टेड इन द डिकेड 1970। हुई थिंक सब्जेक्ट से आपको 100 क्वेश्चंस करना है, ठीक है, और बाकी आप जो भी है जनरल पेपर कह सकते हो उससे 50 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोस्फीयर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोस्फीयर? ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग होता है यार, नॉन लिविंग थिंग इन एन एनवायरमेंट इज नोन एज एबायोटिक एलिमेंट? एंड इन द फॉलोइंग फूड चेन पीकॉक, स्नेक, फ्रॉग, ग्रासहॉपर, ग्रास, पीकॉक इज आंसर क्या बोला ये? फूड चेन पीकॉक, स्नेक, फ्रॉग, ग्रासहॉपर, देन ग्रास, ग्रासहॉपर, देन ग्रास द पीकॉक, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये द पीकॉक इज, अच्छा 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 द पीकॉक इज, तो पीकॉक का ये पोजिशन क्या है वो पूछा जा रहा है। तो पीकॉक डेफिनेटली ये क्या है, एपेक्स ऑफ फूड पिरामिड है, मतलब ये सबसे ऊपर है ना, यस। नाउ ग्लोबल वार्मिंग विल कॉज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, यस, राइजिंग ऑफ सी लेवल, यस, सिंकिंग ऑफ आइलैंड, डेफिनेटली ऑल ऑफ दीज। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? तो रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आई थिंक ये ग्रीन होगा क्या, ग्रीन, नो, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी इज एसोसिएटेड विथ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ब्लू ग्रीन एल्गी। नाउ बायोडाइवर्सिटी मीन्स, ये तो आपको पता होगा, डाइवर्स काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन, डाइवर्स काइंड्स ऑफ एनिमल्स, डाइवर्स काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, डाइवर्स काइंड्स ऑफ, तो सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर, क्योंकि एरिया को भी, एरिया भी जरूरी है। द कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग? ओके, नाउ सुनामी इज नॉट कॉज्ड बाय साइक्लोन, वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, ब्लो शो। तो ये जो है साइक्लोन, इसके कारण सुनामी, सुनामी तो साइक्लोन, साइक्लोन के कारण सुनामी नहीं हो सकता क्या? सुनामी इज नॉट कॉज्ड बाय साइक्लोन, अच्छा तो साइक्लोन के कारण सुनामी नहीं होती, ठीक है। अर्थक्वेक आर मोस्ट फ्रिक्वेंट इन दी जोन, कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है? तो ये आपका पैसिफिक क्वेश्चन होगा डेफिनेटली, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हमने पढ़े थे। अब रिमोट सेंसिंग इज ए टेक्निक इन विच रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, वो होती है क्या है? रिमोट सेंसिंग इज अ टेक्निक इन विच रिकॉर्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन नॉन कॉन्टैक्ट। ओ अच्छा, मतलब रिमोट सेंसिंग जो टेक्निक है जहाँ पर इन्फॉर्मेशन को नॉन कॉन्टैक्ट, मतलब विदाउट टच करके हम
दूर से डाटा को कलेक्ट करते इसलिए नॉन कॉन्टैक्ट एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम बोल सकते हो, बट आधा आधा सा लग रहा था। नाउ रिमोट सेंसिंग यूजेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इन इट्स प्रोसीड्योर, तो डेफिनेटली ये होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाउ व्हेन वेयर द फर्स्ट एरियल फोटोग्राफ टेकन, तो 1940 आई थिंक 1860, ओ माय गॉड द फर्स्ट एरियल फोटोग्राफ वॉज टेकन इन 1860। नाउ पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग आंसर, सो एरियल फोटोग्राफ्स में बी आदर वर्टिकल और ऑब्लिक, वर्टिकल और ऑब्लिक, वर्टिकल कैसे होगा, वर्टिकल फोटोग्राफ्स आर टेकन विद द एक्सिस ऑफ कैमरा पॉइंटिंग वर्टिकल डाउनवर्ड, वर्टिकल फोटोग्राफ्स आर वेड फॉर मोस्ट एक्यूरेट मैप, ऑल ऑफ द अबव, तो सारे इसका करेक्ट है। एरियल फोटोग्राफ्स में भी आइदर वर्टिकल और ऑब्लिक, वर्टिकल फोटोग्राफ्स आर टेकन विद द एक्सिस ऑफ कैमरा पॉइंटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकल फोटोग्राफ्स आर वेड फॉर मोस्ट एक्यूरेट मैप्स, वेड या यूज होगा पता नहीं क्या यार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैन डिटेक्टेड, कैन बी डिटेक्टेड बाय फोटोग्राफिक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो दोनों से ही कर सकते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को डिटेक्ट, फोटोग्राफिक सिस्टम से भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से भी कर सकते हैं। नाउ व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट इज सब्जेक्टेड टू ऑल ऑफ द अबव, यस एंटर्स एटमॉस्फेयर ऑल ऑफ द अबव। नाउ पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आर जनरली प्लेस्ड एट एन ऑल्टीट्यूड, एट एन ऑल्टीट्यूड रेंज ऑफ पोलर, पोलर तो पोलर का जो होगा ये आई थिंक 7 to 15 किलोमीटर होगा, 700 to 1500 किलोमीटर तक की होगा। पोलर सैटेलाइट्स आर लोकेटेड बिटवीन 700 to 1500 किलोमीटर हाइट पे लोकेटेड है ये, ठीक है। तो देखो थोड़ा क्वेश्चन उतना भी आसान नहीं है क्वेश्चन, मतलब फैक्चुअल बेस्ड है सारे, तो चीज़ें याद रखने वाला है यहाँ पर क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसा ही होता है क्वेश्चन में, बीपीएससी जो हुआ था ना टीआरई दिया था सोशल साइंस, तो वहाँ पर भी बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन था, हालांकि उस क्वेश्चन पेपर का तो मतलब पैटर्न कुछ और ही था, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, ऐसे करके ऑप्शन था काफ़ी, तो कन्फ्यूजिंग था ऐसे ये, तो थोड़ा मतलब स्ट्रेट कट लग रहा है, ठीक है। देखते हैं, मैंने भी फॉर्म फिलअप किया है, आई होप कि जाएंगे एग्जाम देने। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, 700 to 1500 किलोमीटर, तो यह आपका हो गया पोलर सेटेलाइट। अब देखते हैं नेक्स्ट कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ जीआईएस, नॉट कंपोनेंट ऑफ जीआईएस, जीआईएस में कौन सी यूज नहीं होता, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा, बैलून ने डेफिनेटली नहीं यूज होते जीआईएस में। नाउ रिमोट सेंसिंग में होगा बैलून यूज। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग इन जीआईएस, तो डिजास्टर मैनेजमेंट, मिनरल इन्फॉर्मेशन, ट्रैफिक में, ऑल ऑफ द अबव होगा। आप देखो तो देखो ज़्यादातर ऑल ऑफ द अबव हो रहा है, तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा मिला जहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पता और ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है, तो ऑल ऑफ द अबव कर देना। व्हिच वॉज द फर्स्ट इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट, आर्यभट्ट वन फर्स्ट इंडियन, नो भास्कर वन, वाव भास्कर वन, भास्कर वन इज द फर्स्ट इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, भास्कर वन वॉज द फर्स्ट इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। नाउ इन जी आई एस अर्बन प्लानिंग एनालिसिस लिंकिंग स्पेशल डेटा एंड एक्टिव्यू डेटा लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, इन जी आई एस अर्बन प्लानिंग एनालिसिस लिंकिंग स्पेशल डेटा, आई थिंक ये आपका टोपोलॉजी, अच्छा टोपोलॉजी, इन जी आई एस अर्बन प्लानिंग एनालिसिस लिंकिंग स्पेशल डेटा एंड एट्रीब्यूट डेटा लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ टोपोलॉजी, फॉर्मेशन ऑफ टोपोलॉजी, ओके। नाउ व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी की बिगिनिंग में वर्ल्ड का पॉपुलेशन 6 बिलियन था 21st सेंचुरी, तो देखो ख़त्म भी नहीं हुआ, 2 बिलियन हो गया, ज़्यादा है ना। What percentage of the world population lives in about 10% of its land area? तो अबाउट 10% में लगभग लगभग 90% population जो है inhabit करता है world में, ठीक है, 10% area में 90% people रहते हैं।
हुईज फैक्टर इज लिस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन पॉपुलेशन फर्टिलिटी मॉर्टेलिटी पॉपुलेशन माइग्रेशन लिटरेसी डेफिनेटली नाउ हु रोड द बुक एन एशेफ ऑफ फॉर द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन सो दिस थॉमस एशे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन थॉमस माल्थस यस थॉमस माल्थस हु एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द पॉपुलेशन डेंसिटी लेस दैन 50% पर स्क्वायर किमी हुईज एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज पॉपुलेशन डेंसिटी लेस दैन 50% पर स्क्वायर किमी तो आई थिंक नीदरलैंड होगा क्या यूएसए यूएसए में 50 से भी कम पॉपुलेशन डेंसिटी है अच्छा हुईज एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज पॉपुलेशन डेंसिटी लेस दैन 50% पर स्क्वायर किमी तो यूएसए का करेक्ट आंसर ओके नाउ हुईज वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ डेंसिटी फर्टिलिटी सॉइल क्लाइमेट एक्सेसिव लॉन्गिट्यूड इज नॉट अ फैक्टर व्हाट इज द क्रूड बर्थ रेट इन इंडिया सो दैट इज आई थिंक क्रूड बर्थ रेट तो नन ऑफ द अबव आई थिंक नो 17 per 1000 अच्छा 17 per 1000 बोला है 17 per 1000 व्हाट इज द क्रूड बर्थ रेट इन इंडिया ना 17 per 1000 ओके नाउ व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लोएस्ट फर्टिलिटी रेट तो लोएस्ट फर्टिलिटी रेट आपका होगा सिक्किम में होगा नाउ व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ इंडिया माइग्रेशन टू वेस्ट एशिया आफ्टर 1970 हम ईस्ट एशिया से वेस्ट एशिया जा रहे हैं क्योंकि डिस्कवरी ऑफ ऑयल डेवलपमेंट इन फिशरीज इंडस्ट्री एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिस्कवरी ऑफ ऑयल होगा नाउ डिस्कवरी ऑफ ऑयल यस देन क्वेश्चन नंबर 70 व्हिच इज द सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन कहाँ है तो फर्स्ट एशिया दूसरा हो गया आपका अफ्रीका नाउ व्हेन डिड चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट सो दिस इज 1980 में स्टार्ट हुआ था वन चाइल्ड पॉलिसी ऑफ व्हिच माउंटेन रेंज द के टू गॉर्डन इज द हाइस्ट माउंटेन पीक तो ये आपका काराकोरम आप देखो व्हिच रिवर बेसिन ऑफ एशिया इज कॉल्ड राइस बाउल बोला जाता है आपका यांगसी रिवर को नाउ जोहोर माइंस इन मलेशिया फेमस फॉर टिन होगा मलेशिया टिन आई थिंक यस टिन नाउ बिटवीन व्हिच टू कंट्रीज मैकमोहन लाइन इज इंडिया एंड चाइना मैकमोहन लाइन द बिगेस्ट टाउन ऑफ चाइना विथ रेस्पेक्ट टू पॉपुलेशन इज Shanghai, biggest town of China with respect to population is Shanghai. Which of the following trees is not related to coniferous or taiga forest? So, coniferous or taiga forest is related to yes, spruce, hemlock, cedar, balut. I think hemlock, yeah, balut is not related to coniferous or taiga forest. Balut is not related to coniferous or taiga forest. Okay. So, baki jo bhi hai hemlock, cedar and spruce, ye sare coniferous forest ke trees hai. Spruce, hemlock and cedar. Okay. Now, which of the following is located between the Himalaya and Karakoram Kunlun? Different location between Himalaya and Karakoram Kunlun. तो आई थिंक ये आपका देखना पड़ेगा इसको क्या है ये भाई प्लेटो ऑफ टिबेट ओहो प्लेटो ऑफ टिबेट इज लोकेटेड बिटवीन काराकोरम एंड दी हिमालयज ओके नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइन रीजन्स इज नॉट रिलेटेड टू आयरन ओर माइन नहीं होते तो सिंगभूम तोया दुंगन एंड सेलानगोर तो सेलानगोर इज नॉट रिलेटेड टू माइनिंग ऑफ आयरन ओर ठीक है आयरन ओर इज नॉट रिलेटेड टू सेलानगोर नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट रिलेटेड टू द पैसिफिक ओशन के साथ रिलेटेड नहीं है तो देखो कितने मतलब ये फैक्ट तो नहीं बोलेंगे बट मैप बेस्ड आप बोल सकते हो तो आपको याद रखना पड़ेगा तो मालदीव जो है ये पैसिफिक ओशन के साथ रिलेटेड नहीं है अच्छा ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मीट गंगा फ्रॉम साउथ डायरेक्शन इन बिहार गंगा को ये में सोन हुआ सोन यस ना ये राइट बैंक की ब्यूटरी होती है गंगा की अब होता है द क्रॉप ग्रोन इन राइट नहीं भाई विंटर एंड हार्वेस्टर इन समर इज कॉल्ड इसको बोलते हैं ग्रोन तो रबी क्रॉप बोलते हैं इसको अब देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश मिजोरम तो आंसर होगा आपका अच्छा आंसर होगा 1 and 3 यानी अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम और भी एक ऑप्शन था शायद इस पर यस अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम नो
अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम में जो है हमारा अभी हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, यानी मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है इन इंडिया में। अब गुरु शिखर इज द हाइस्ट पीक क्या से होगा यार, पीक होगा गुरु शिखर तो ये आपका सातपुरा रेंज का होता है हाइस्ट पीक गुरु शिखर। और जो द फॉलिंग रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा, तो ये आपका ताप्ती जो है नहीं फॉर्म करता डेल्टा। सुंदरबन इज ए ट्रॉपिकल टाइडल फॉरेस्ट, यस। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कॉटन पॉलिस इन इंडिया, कॉटन पॉलिस आई थिंक मुंबई को बोला जाएगा, यस। नाउ रानीगंज इज फेमस फॉर कोल। द ओरिजिन ऑफ सम सोमेश्वर हिल्स ऑफ बिहार इज रिलेटेड टू, अच्छा सोमेश्वर हिल्स तो ये पता नहीं, मायोसिन एंड प्लायोसिन, ओके। द सोमेश्वर हिल इज रिलेटेड विथ मायोसिन एंड प्लायोसिन पीरियड एंड अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो ये आपका होगा सिवान, पटना, क्योंकि कैपिटल है, तो 2011 के मुताबिक पटना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू लॉन्गिट्यूड्स, नो लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स पैरेलल टू इक्वेटर, ये सही हो सकता है पैरेलल टू इक्वेटर। नाउ देखते हैं 92, सो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज रिलेटेड टू स्केल, 1 mile इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस, सो 63 and 360, ये इसके साथ इंचेस इज इक्वल टू 1 mile होता है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर डिस्टेंस ऑन ए मैप, तो डिस्टेंस ऑन ए मैप को मेजर करने के लिए हम नाना दिया हो गए पर कोई भी नहीं है, ऑफिशियोमीटर को हम यूज करते हैं मेजर डिस्टेंस ऑन ए मैप। हम तो रोटामीटर पढ़े थे ना, तो रिवर के लिए क्या ये, तो ऑफिशियोमीटर में मीटर से तो ये एक नया चीज़ मिला कि ऑफिशियो वस्त्र था, ऑफिशियोमीटर के साथ हम मीटर से हम एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मेजर डिस्टेंस ऑन ए मैप कर सकते हैं। अब 95, द हाइट इंडिकेटेड ऑन वॉल्स एंड ब्रिजेज इज कॉल्ड ट्रायंगुलेशन हाइट होगा नहीं, बेंचमार्क होगा। द हाइट इंडिकेटेड ऑन वॉल्स एंड ब्रिजेस इज कॉल्ड बेंचमार्क। नाउ द मैप प्रोजेक्शन इन व्हिच सोर्सेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड, इन लाइट इज यूज दैट इज कॉल्ड पैसिव पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। बोन्स प्रोजेक्शन इज एन इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, दिस स्टेटमेंट इज बोन्स प्रोजेक्शन इज इक्वल प्रोजेक्शन, ट्रू, यस। नाउ बॉडीज रूल इज रिलेटेड टू बॉडीज करेक्शन ऑफ बियरिंग, करेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर, करेक्शन ऑफ फील्ड बुक, करेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर। तो बॉडीज रूल इज रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन, क्वार्टाइल एंड विंड डिस्टेंस, तो आई थिंक क्वार्टाइल जो है मेजर ऑफ डिस्पर्सन नहीं है। द स्केल ऑफ हार्डनेस ऑफ मिनरल्स वाज प्रोवाइडेड, या क्या, बाय होम स्केल ऑफ हार्डनेस, तो ये फ्रेडरिक मोज होगा, मोज हार्डनेस के नाम में पढ़ते थे फ्रेडरिक मोज, ठीक है। तो अब जनरल पार्ट आ गया, देखो लर्निंग इज ए नेचुरल एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा या फिर इंडिविजुअल होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द करेक्ट आंसर, दो में कन्फ्यूज हो गया, लर्निंग इज ए नेचुरल एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब पूरा हम देख लेते हैं, इंटरैक्टिव कंपोनेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस है ना, हाई ऑर्डर थिंकिंग अटेंशन मेमोरी ऑल ऑफ द अबव। नाउ द फर्स्ट स्टेप इन कॉग्निटिव लर्निंग इज क्या होगा, इंफॉर्मेशन ही होगा, यस। नाउ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर ऑल द अबव स्पेसिफिक, यस। देन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ओरिजिनेटेड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ओरिजिनेटेड इन शिकागो या शिकागो यूनिवर्सिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग इज ऑल ऑफ द अबव। एंड इंडक्टिव मेथड इज एनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, क्रिएट्स क्यूरियोसिटी, लर्निंग बाय डूइंग। इंडक्टिव मेथड हे ऑल ऑफ दी अबव, अच्छा ऑल ऑफ दी अबव, लर्निंग बाय डूइंग, क्रिएट्स क्यूरियोसिटी, एनकरेज स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट। नाउ द शॉर्ट कमिंग ऑफ रोल प्ले मेथड इज लैक्स फोकस मोनोटोनस सो स्लोज डाउन द लर्निंग प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग, लैक्स फोकस, अच्छा। तो द शॉर्ट कमिंग ऑफ रोल प्ले मेथड इज लैक्स फोकस
एंड लेसन प्लान हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड देन 5E मॉडल वॉज डेवलप्ड फॉर थिंक कंस्ट्रक्टिविज्म है ना, 5E मॉडल वॉज डेवलप्ड फॉर कंस्ट्रक्टिविज्म। अरे यार थोड़ा नींद भी आ गए, कहाँ थे हम, कहाँ थे। आगे ही होंगे ना ये। यस 5E मॉडल इज डेवलप्ड फॉर कंस्ट्रक्टिविज्म। द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो टीचिंग इन इज डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स इन टीचर्स, डेवलपिंग स्टूडेंट्स एबिलिटी, डेवलप टीचिंग फीडबैक, डेवलपिंग स्किल्स फीडबैक स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, डेवलपिंग टीचिंग स्किल इन टीचर्स। सो आई थिंक डेवलपिंग स्टूडेंट्स एबिलिटी बी इज द करेक्ट आंसर। नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो टीचिंग इज डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स इन टीचर्स। ओके द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो टीचिंग इज डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स ऑफ इन टीचर्स। देन इंस्ट्रक्शन इज प्रोवाइडेड इन द क्लासरूम। नाउ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस इज Process of interaction analysis is both A and B, that is encoding decoding. Process of interaction analysis is encoding decoding. Now 1 and 4. The classroom setup in an example of the classroom setup in an example of क्लासरूम मैनेजमेंट आंसर है। क्लासरूम सेटअप इन एन एग्जांपल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, नहीं समझ आया क्वेश्चन। नाउ इन इंक्लूसिव क्लासरूम टीचर्स शुड इग्नोर कल्चरल डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स, प्रमोट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू कल्चर, रेस्पेक्ट एंड वैल्यू ऑल कल्चर। ठीक है, तो वही आपको इंक्लूसिव क्लासरूम बोला जाएगा। इन इंक्लूसिव क्लासरूम टीचर्स शुड आंसर और टीचर शुड रेस्पेक्ट एंड वैल्यू ऑल कल्चर्स। इवैल्यूएशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, क्रिएटेड एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ओरिएंटेशन एंड कंपोज, ऑल ऑफ द अबव होगा। आप देखो द पर्पस ऑफ लाइब्रेरी इज टू प्रोवाइड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एंड टू प्रोवाइड गेम, बोथ एंड बी। नाउ ओ टू प्रोवाइड नॉलेज एंड नॉलेज, गेम्स नहीं है ना। लाइब्रेरी में क्या करोगे यार, नॉलेज ही तो लोगे, तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 118। तो इफेक्टिव टीचर इज हु हैज कंट्रोल ओवर द क्लास, हु कैन डिलीवर मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिमिटेड पीरियड, हु इंस्पायर स्टूडेंट्स टू लर्न। तो ये सी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। अ पर्सन कैन एंजॉय टीचिंग एज एज ए प्रोफेशन व्हेन हिज आंसर इज मोर क्वालिफाइड दैन हिज कॉलिग्स, टीचिंग एज ए प्रोफेशन सो इज मोर गेटिंग रेस्पेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। 120 टू व्हाट मिनिमम लेवल शुड ए गुड टीचर टीच, मिनिमम लेवल तो दैट इज मेमोरी लेवल, नो अंडरस्टैंडिंग लेवल। टू व्हाट मिनिमम लेवल शुड अ गुड टीचर, शुड अ गुड टीचर टीच, सो अंडरस्टैंडिंग लेवल में करो पड़ेगा, नॉट जस्ट मेमोरी लेवल। ठीक है, मेमोरी लेवल से तो लोएस्ट है ब्लूम की डिक्शनरी में, बट अंडरस्टैंडिंग तक ही वो आएगा एक टीचर। नाउ इवैल्यूएशन प्रोसेस इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ ऑफ द अबव। द ट्रायंगुलेशन ऑफ इवैल्यूएशन इन एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ टीचिंग टीचिंग एक्सपीरियंस, पेरेंट्स एक्सपीरियंस, टीचर्स एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आई थिंक टीचर एक्सपीरियंस, नो लर्निंग एक्सपीरियंस राइट, इट्स ओनली वन लर्निंग एक्सपीरियंस। द ट्राइंगल ऑफ इवैल्यूएशन इन एजुकेशन कॉन्सिस्ट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, राइट आंसर लर्निंग एक्सपीरियंस। क्या क्या है ना, इवैल्यूएशन प्लेज अ रोल इन आंसर आंसर ऑल ऑफ द अबव टीचिंग करिकुलम टेस्ट, राइट आंसर देन ऑल ऑफ द अबव। टू नंबर में क्या था, टू नंबर क्वेश्चन नंबर टू में क्या था यार, ये शुरू में था, तो ये आपका द ट्रायंगल ऑफ इवैल्यूएशन इन एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस।
ठीक है, इसको हम अभी देखेंगे बाद में। लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है ना, क्वेश्चन क्या था, दिया ट्राइंगल ऑफ इवेल्युएशन इन एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। नाउ इवेल्युएशन प्लेज अ रोल इन टीचिंग करिकुलम टेस्ट, सब नहीं होगा ना, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम आर बेस्ड अपन कंटेंट एक्टिविटी स्टूडेंट सब में, लर्निंग विदाउट बर्डन इज गिवन बाय होम। ये आई थिंक यशपाल, प्रोफेसर यशपाल, लर्निंग बाय बर्डन। देन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन स्टार्ट्स फ्रॉम फैमिली, द प्रोसेस विच मेक्स अ चाइल्ड सोशली अडेप्टेबल, कल्मिनेशन, कल्चरलाइजेशन, सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन। नाउ गुड स्टूडेंट्स आर दोज हु ऑलवेज ट्राई टू लर्न, ऑलवेज ब्रिंग गुड रिजल्ट्स, आर ऑलवेज सेल्फ कॉन्फिडेंट, नन ऑफ देम, हु ऑलवेज ट्राई टू लर्न। एंड स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट बाई डूइंग, एंड रियल ऑब्जेक्ट्स शुड बी शोन एज टीचिंग एड्स टू इंक्रीज इंटरेस्ट टू डेवलप, हाँ ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, तो हमने 130 तक कर ली, अब देखते हैं बाकी 20 में तो आपका जनरल वाला आएगा, ठीक है, जो जो GS होता है जनरल स्टडी। तो देखो द लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्सेज ऑफ गौतम बुद्ध वाज, नहीं पता, लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्सेज ये पाली होगा आई थिंक, नो संस्कृत, लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्सेज ऑफ गौतम बुद्ध वाज संस्कृत। ओके, रामस ब्रिज ऑफ राम सेतु लोकेटेड इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स, तो पल्क स्टेट है ना वहाँ पर हमारा श्रीलंका के बीच में। नाउ व्हिच सेक्टर्स ग्रोथ वाज पॉजिटिव ड्यूरिंग द लॉकडाउन इन मार्च 2020 अमंग द कोर सेक्टर्स, कोर सेक्टर्स तो 6 कोर सेक्टर्स आई थिंक, तो यहाँ पर कहाँ पर वृद्धि हुआ था, तो ये आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी, नो कोल में, अच्छा कोल में, पॉजिटिव ड्यूरिंग द लॉकडाउन इन मार्च 2020 तो कोल में वृद्धि हुआ था। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स बिहार एंड उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल, अच्छा तो ये हुआ था 1912 में, बिहार एंड उड़ीसा गॉट सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल, अच्छा तो ये बिहार उड़ीसा बंगाल का ही पार्ट था भाई, आज हम जा रहे हैं यार एग्ज़ाम देने बिहार में, चलो ठीक है। नाउ पटना मैरिन ड्राइव बिहार्स वर्जन ऑफ टेम्स पथ इज एक्सप्रेस वे दैट रन्स अलोंग पटना मैरिन ड्राइव बिहार्स वर्जन ऑफ टेम्स पथ इज एक्सप्रेस वे दैट रन्स अलोंग, नहीं पता पटना मैरिन ड्राइव ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो डेफिनेटली गंगा में ही होगा ना यार, हाँ गंगा रिवर। नाउ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ स्मॉग फ्रॉम इंसिनरेटर्स एमिशंस फ्रॉम व्हीकल्स, आई थिंक सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ इंसिनरेटर्स एंड एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स। 137 व्हाई इज रिसाइकल पेपर बैंड फॉर यूज इन फूड कंटेनर्स, अच्छा तो बिकॉज इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्पेसेस बिकॉज इट क्रिएट्स कॉन्टेमिनेशन, आई थिंक ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तो सारे है ग्रीन हाउस गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, तो मध्य प्रदेश, यस। इफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर 10 मीटर एंड 8 मीटर, तो हिस्ट्री वगैरह आया, ठीक है जनरल वो आया, और देखो आप ये मैथ आ गया, रीजनिंग आ गया। तो इफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर 10 मीटर एंड 8 मीटर देन फाइंड इट्स एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है, फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या फिर तो 80 होगा, तो देखने वाला किसका, हाँ 80 स्क्वायर मीटर लेंथ इंटू ब्रेथ होगा रेक्टेंगल का। ओके नाउ संध्या लेंट रुपीज 5000 टू बीना फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलकुलेट दी अमाउंट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है कंपाउंड इंटरेस्ट और दी वैल्यू ऑफ इसका निकालना पड़ेगा, ये तो करना होगा आपको, करो द LCM ऑफ टू नंबर्स, ठीक है तो LCM निकालना आएगा। शैडो ऑफ ए मैन इज 1/√3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ मैन, व्हाट विल बी द सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन, ये भी निकालना सीखना पड़ेगा, नहीं पता मेरे को। अब देखो ये रीजनिंग कुछ है, आर्मी सोल्जर स्कूल के साथ कौन जाएगा, तो स्कूल आर्मी के साथ सोल्जर है, तो
तो स्कूल के साथ डेफिनेटली स्टूडेंट ही जाएगा, टीचर नहीं जाएगा, स्कूल के साथ स्टूडेंट जाएगा। ओके चूज द वर्ड व्हिच इज लिस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। ब्रास डूल डू की डोरेलुमिन डोरालुमिन, अच्छा जर्मेनियम एंड ब्रॉन्ज, तो जर्मेनियम थिंक दिस इज नॉट अ मेटल आई थिंक। नाउ क्वेश्चन नंबर वन, ये भी इन सर्टेन कोड पेजेस ही रिटन, तो ये भी जो है रीजनिंग है आपका, रीजनिंग ठीक है। ये क्या बोलते हैं इसको पता नहीं। नाउ कुसुमा इज द वाइफ ऑफ रवि, ये तो ब्लड रिलेशन का हो गया, करना पड़ेगा इसको। तो ये था आपका 150 क्वेश्चंस बिहार स्टेट का, ये था हमारा पीजीटी जियोग्राफी का लिए, जियोग्राफी के लिए ठीक है, पीजीटी के लिए। तो मतलब 11-12 का सेक्शन है और 9-10 में तो इसको सोशल स्टडीज बोलते हैं। तो वो पेपर भी मैंने एक डाउनलोड किया है, एक बार देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।